हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे। तो यहाँ पर मैं बनाने वाली हूँ आज ढोसका, जो झारखंड का फेमस है। तो यहाँ पर जो मैं ढोसका बनाने वाली हूँ ना, जो बहुत अच्छे तरीके से बनाने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो में नया है तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड कमेंट कीजिएगा कि आपको ये मेरा ढोसका बनाने का तरीका जो है कैसा लगा, और फीडबैक अपना ज़रूर दीजिएगा। तो यहाँ पर मैं सारा कुछ मेजर से ली थी। तो यहाँ पर मैं जो है, मेरे पास चावल जो पिसा हुआ था, इसीलिए मैं जो चावल नहीं डाली हूँ। यहाँ पर जो है मैं 1 कप जो है चना का दाल, और उससे जो है आधा मैं उड़द का दाल ली थी, और दोनों को भिगो के रख दी थी। और दोनों को जो मैं यहाँ पर पीस ले रही हूँ, पीस के देख सकते हैं। इसमें जो मैं 2 हरी मिर्च और अदरक डाली थी, और यहाँ पर देख सकते हैं कितना अच्छा फाइन पेस्ट हुआ। और इसमें मैं लहसुन भी डाली थी, सॉरी मैं बोलना भूल गई। और यहाँ पर देख सकते हैं चावल का जो मेरे पास आटा था, तो इसे मैं 1 गिलास डाल रही हूँ। और इसे भी मिक्सर में थोड़ा सा पानी देके जो है ना, इसको भी चला लूँगी और अच्छा से इसका भी फाइन पेस्ट मैं तैयार कर लूँगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं, ऐसे आपके पास चावल है तो आप चावल को भिगो के रख दीजिएगा, उसके बाद पीस लीजिएगा। बट मेरे पास यहाँ पर चावल नहीं था, उसका जो है पाउडर था, तो इसीलिए मैं यहाँ पर पीस ली। और बस जो भी इसमें लगा हुआ था, उसमें थोड़ा सा पानी देकर इसमें सारा पानी डाल दिए हैं, और बस उसका बैटर बना के रख दिए हैं। यहाँ पर मैं चना जो है ना भिगो के रख दी थी, कल रात को ही ये सब सारा काम किया है। अभी ये सुबह का समय है, और यहाँ पर देख सकते हैं कितना अच्छा ये फूल गया है, बिल्कुल हल्का हो गया है। इसका फर्मेंटेशन आपको देख के ही पता चल रहा होगा। तो इसको अच्छे से फेंट लेना है, और उसके बाद क्या करना है ना, इसमें आपको कुछ मसाले डालना है। तो सबसे पहले इसमें थोड़ा सा मैं बेकिंग पाउडर डाल रही हूँ, देख सकते हैं जो केक में डाला था ना, वही आपको बेकिंग पाउडर डालना है, बेकिंग सोडा नहीं डालना है। और यहाँ पर मैं स्वाद अनुसार जो है इसमें नमक डालूँगी, उसके बाद थोड़ा सा हल्दी डालेंगे, और यहाँ पर ना मैं जीरा इसमें डालूँगी। तो देख सकते हैं जीरा मैं ले ली हूँ, और इसको हाथों में लेके थोड़ा सा क्रश करके डालना है, इसे ना फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो इस तरीके से ही डालिएगा। और इसमें थोड़ा सा अजवाइन डाल रही हूँ, उसको भी जो है ना हाथ में लेके थोड़ा सा क्रश करके आपको डालना है। अब इसको मिला देना है अच्छे से, और देख सकते हैं बैटर जो है मेरा बहुत अच्छा फ्लफी एकदम तैयार हुआ है। और यहाँ पर जो है ना चने भी मेरे अच्छे से फूल गए हैं, तो बस इस चने का सब्ज़ी बना लेंगे। तो उसके लिए ना प्याज यहाँ पर 3 ले लिए थे, इसको ना एकदम स्लाइस काट लेंगे, और साथ में कुकर भी यहाँ चढ़ा दे रहे हैं ताकि मेरा कुकर जो है गर्म हो जाए तो सब्ज़ी मैं बनाऊँगी। तो यहाँ पर जल्दी जल्दी जो है प्याज मैं काट ले रही हूँ, और यहाँ पर 3 हरी मिर्च ले लिए हैं, थोड़ा सा जो है लहसुन ले लिए हैं, और यहाँ पर अदरक ले लिए हैं। अदरक को जो है ना अच्छे से इसको घीस लिए हैं, और बस मेरा कुकर गर्म हो गया था, तो इसमें तेल डाल दिए, जीरा डाल दिए, 2 तेज़पत्ता डाल दिए हैं, और इसमें डालूँगी मैं यहाँ पर कटा हुआ प्याज, और उसके बाद 2-3 जो मैं हरी मिर्च जो काटी थी ना वो डाल दी। अब इसको है ना अच्छे से भून लेंगे हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक, और इसमें थोड़ा सा लहसुन की जो कलियां हैं वो डाल दिए हैं, अदरक घिसा हुआ डाल दिए हैं। अब इसको एकदम सुनहरा होने तक भूनना है। उसके बाद मैं यहाँ पर टमाटर काट ले रही हूँ, इसकी जो है मैं यहाँ पर ग्रेवी बनाऊँगी, तो इसलिए जल्दी जल्दी इसको टमाटर को जो मैं काट ले रही हूँ, और यहाँ पर मिक्सर में डाल देंगे और इसका फाइन पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं टमाटर पिस गया है, और मेरा प्याज भी थोड़ा सा भुना गया था, तो मैं सारा जो है इसी में मैं डाल दी, और इसको लगातार थोड़ी देर चलाएंगे। अब इसमें स्वाद अनुसार जो है नमक मैं डालूँगी, जितना सब्जी में पड़ेगा, और उसी अकॉर्डिंग आप डालिएगा। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा हल्दी डाल दूँगी, और थोड़ा सा यहाँ पर गोलकी और जीरा का पाउडर डाल दे रहे हैं, और इसको भी जो है भून लेंगे अच्छे से। उसके बाद मैं यहाँ पर थोड़ा जो सा ना अदरक और लहसुन का जो है ना थोड़ा सा मिर्च का जो पेस्ट मैं यहाँ पर थोड़ा सा डाल दी थी,
बट यहाँ पर दिखाना भूल गई। और इसके बाद जो है चने डाल दिए और इसको जो है ना लगातार इसको भूंजना है। तो थोड़ा सा जब भूंजा जाएगा उसके बाद मेरे पास एक बड़ा सा आलू था, उसको भी मैं हाथों से ऐसे क्रश करके डाल दी। और ये सब्जी ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है ढुसका के साथ, आप एक बार ट्राई कीजिएगा, इस तरीके से सब्जी बनाइएगा, सच में बहुत अच्छा बनेगा। तो मैं जो पानी डाल दी थी, उसके बाद कसूरी मेथी डाल दी और यहाँ पर जो है ना किचन किंग मसाला भी डाल दी थी और इसको बस लगा के छोड़ दिए हैं। यहाँ पर मेरा कढ़ाई भी गर्म हो गया था, तेल अच्छा गर्म होगा तभी आपको जो है यहाँ पर ढुसका डालिएगा। तो बस एक एक डब्बू मैं यहाँ पर अपना ढुसका डाल रही थी। तो यहाँ पर हाई टू मीडियम आपको ढुसका जो है ना बनाना है, तभी जो है आपका ढुसका अच्छा बनेगा। तो मुझे तो उतना अच्छा से नहीं आता है बट मैं बना रही थी, अच्छा ही मेरा बन रहा था। और बस इसको ऐसे धीरे धीरे पलट देना है, ऊपर तेल थोड़ा सा दे रही थी ताकि अच्छा से फूल जाए। तो ऐसे ही अच्छा फूल गया था और मेरा जो है ना थोड़ा ज़्यादा ही लाल हो गया था, तो फर्स्ट वाला थोड़ा ज़्यादा लाल हो गया था। उसके बाद मैं धीरे धीरे एकदम मीडियम कर दी और इसको एकदम धीमा करके छोड़ दिया था ताकि ये अच्छा से भी एकदम सीज जाए। और इधर जो है सीटी मार दिया था, मेरा सब्जी भी हो गया था। तो अब इसको ना उतार देंगे सब्जी भी। तो यहाँ पर जो एक एक करके उसका जो है सारा मैं इसी तरीके से निकाल ले रही थी। यहाँ पर मेरे जो है नीचे कुकर रख दिए ताकि ये ठंडा हो जाए, तभी मैं सब्जी चेक करूँगी। और एक एक ढुसका करके मैं ऐसे ही डाल रही थी। तो अभी ये सुबह के लिए मैं बना रही हूँ, ये नाश्ता भी कर लेंगे साथ में, टिफ़िन भी ले जाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं, तो अभी मैं बस इनके नाश्ते के लिए और टिफ़िन के लिए मैं बना ली हूँ और यहाँ पर सब्ज़ी भी चेक कर लेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं ढुसका जो है बनके तैयार हो गया है और मेरी आलू चने की जो सब्ज़ी है वो भी बनके तैयार हो गई है और काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। तो अभी इसको सर्व कर लेते हैं, इनको देते हैं नाश्ता। तो देखने में तो बहुत ज़्यादा यम्मी लग रहा था, बहुत अच्छा ही बना था। तो यहाँ पर बस अभी इनको टेस्ट करवाते हैं। तो यहाँ पर चार जो है ढुसका दे दिए हैं, अब चलते हैं इनको नाश्ता देने के लिए। ये तो देख के ही खुश हो गए, बोले वाह बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पर टिफ़िन भी जो है पैक कर दे रहे हैं, उधर वो अपना नाश्ता कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है टिफ़िन इनका मैं पैक कर दिए हूँ, ढुसका और वही सब्जी, और ये बस अभी ड्यूटी के लिए निकल गए हैं। तो आपको ये ब्लॉग कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर, तब तक के लिए बाय बाय। और इधर मैं अपने नेबर के लिए भी निकाल रही थी।